हॉन्सर क्लॉड ब्रस्ट हादसे को 12 दिन बीत चुके हैं। उस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग जो है वो अभी भी लापता है, जबकि 19 के करीबी लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एजाज वाजा है, ये भी जो है वो इंजर्ड हुए हैं उस हादसे में और इनको काफी क्रिटिकल इंजरीज है और इनको जो है वो इमरजेंसी में जो है वहां के नौजवानों ने हिम्मत करके जो है 15 किलोमीटर जो है वो पैदल चलाया था उस दुश्वार रास्ते पे। आप पूछे ही नहीं कि वो किस तरह का रास्ता है और कितना जो कांटों भरा से वो रास्ता है, और उस वेदर और बारिश जैसे हालात में और उस दुख के हालात में जो नौजवान लोग इनको पहले ढंडूरों जिन्होंने इनको इसको पहुंचाया और फिर हॉस्पिटल में पहुंचाया, उन नौजवानों को जो है वो शाबाशी के जो है वो हकदार है। हम एजाज से पूछेंगे उस वक्त क्या हुआ, क्या हालात थे और ये कैसे जख्मी हुए। एजाज बताएंगे कि अभी भी जो है वो लोगों में असमंजस है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। आप जो है वो चश्मदीद गवाह हैं, आप उस हादसे में जख्मी हुए, पहले हम आपको पूछेंगे कि हुआ क्या, तो फिर आपके साथ कैसा हादसा हुआ और आप कैसे बच निकले। सर मैं गया था नमाज पढ़ के उधर देखने के लिए उनको, फिर अचानक वो सैलाब आ गया उधर, अचानक फिर बचाने के लिए गए थे हम उधर, बस अचानक वो दूसरी बार और आ गए, बस साथ में ही हम सब गए, हम 10-15 बंदे थे उधर लेंटर पर। अच्छा हाँ, बस तबाही से वो फिर ऊपर से आ गया और तो बस सब चले। हुआ क्या, पहले क्या हुआ जिस वक्त आप बचाने के लिए गए, सबसे पहले हुआ क्या? सबसे पहले थोड़ा पानी आ गया, हमने बोला अब थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। फिर अचानक 10-15 मिनट के बाद दोबारा आ गया, बस हम सब चल, जितने भी लेंटर में थे 10-15 बंदे, हम वो सब चले गए दरिया में। नहीं मतलब किसके, आप किसके पास गए थे आप? मतलब जो इकबाल है ना, इकबाल भाई के घर गए थे हम बचाने के लिए उनको एक लड़का, वो उसकी माँ थी तौसीफ की। अच्छा। और उसकी बहन थी, हम बचाने के लिए गए थे वहाँ पर। अच्छा। बस अचानक आ गया दूसरी बार वो, बस सब चल गए पानी में डूब गए। तो कौन कौन था, क्या मतलब तौसीफ जो है वो पहले ही झटके में बह गया था क्या? तौसीफ और मैं अचानक ऊपर से हमने छलांग मारी, बस वो चले गया, बस पहले ही चले गया, मैं साइड में गया। तो साइड पे फिर आपको कब निकाला, कैसे निकाला? निकला मैं खुद ही, बस ये घंटे डेढ़ घंटे के बाद आहिस्ता मैं चल के आए हाथों पे, तो बस फिर 2-4 बंदे आ गए, फिर उन्होंने मुझे उठाया उधर से। तो कौन कौन लोग हैं जो उसमें अभी जो वो लापता है, उनमें आपके कुछ रिश्तेदार भी हैं? पांच फैमिली मेंबर जो है वो एजाज के जो है इसमें जांबाक हुए हैं, इनकी और शायद आपकी सिस्टर है बाबी है, आपकी है, आपका साडू है, साली है और भी एक और कौन दूसरा भाई है, चचेरा भाई है। मतलब पांच जने जो है वो। तो मतलब जिस वक्त यह हादसा हुआ तकरीबन इशा का 9 बजे का वक्त, पौने नौ बजे टाइम थी। तो पहले जो है थोड़ा सा पानी आया, फिर मतलब आपने जो है वो बड़ी हिम्मत की है, सुनने में मिला कि जानवर भी बचाए आप लोगों ने, तो उसी चक्कर में जो है ये सब लोग बाद में बह गए, अदरवाइज जो है वो जिस वक्त रेला आया तो लोग बच सकते थे। हकीकत क्या है? हकीकत यही है, हम गए थे उधर बचाने के लिए उनको, बस यही सामान निकाला था हमने, गैस सिलेंडर 5 और वो बैल और गाय, बस वो भी चले गए बाद में सब। मतलब जर्सी गाय जो है, जर्सी गाय वो लास्ट में बच गई बस, और वो खुद ही निकली। तो मतलब आप बताएंगे कितने घर थे वहाँ, गांव की हालात कैसे थी इस वक्त, मतलब हादसे से पहले? उसके बाद तो आपने देखा कि आज तो वहाँ खंडर है, तो मार्केट भी थी वहां पर, तो जरा बताएंगे ओवरऑल जो गांव था तबाही से पहले कैसे था, क्योंकि आप वहां के रहने वाले हैं, लोग जानना चाहेंगे कि तबाही से पहले वहां क्या है, क्योंकि जो हमने विजुअल्स दिखाए जब मैं पहले वहां पर पहुंचा, वहां तो मुझे सिर्फ एक जो है वो पत्थर ही पत्थर दिखाई दिए। सर गांव तो बहुत अच्छा था, 3-4 दुकानें थे, दो दुकानें वो भी चले गए। एक तो उसीब का था जो वो भी बह गया दरिया से, वो भी उसका भी उसने लोन निकाला था 10 लाख बैंक से। अच्छा। हाँ, बस वो भी चले गए, सब चले गए, उसकी बहन भी और मेरी भाभी। अच्छा अच्छा, तौसीफ ने जो है वो बैंक से लोन निकाला है 10 लाख रुपए का, तो क्या ये कंफर्म है कि मतलब? हाँ कंफर्म है। तो हम अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो लोन है
उसको एज ए इंश्योरेंस क्लेम करके जो है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो बैंक्स की लिमिट्स और लोन होती है वो जो है वो इंश्योर्ड होता है। तो तोसी पे क्वालिफाइड लड़का था, एम ए बेड करके था, काफ़ी गुर्बत से उसने पढ़ा था और बदकिस्मती से जो है वो इस हादसे में जो है वो जान बाँग गया। तोसी शादीशुदा था क्या? नहीं नहीं अभी शादी हुई, इस साल करनी थी उसकी शादी। अच्छा, इसकी वो कर भाई की लड़की थी, मेरी भाई की लड़की थी। अच्छा, आपकी बाई की लड़की थी, मतलब उसको तौसीफ को। तो अच्छा, जब सुबह जब रात को आप निकले तो फिर कहाँ रहे आप? क्योंकि आपका पाँव फ्रैक्चर्ड है, आपकी कमर में चोट लगी हुई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। तो फिर उठाया ना तो बकरवाते एक दो बंदे वहाँ भी, वो ऊपर से आगे भाई और चचेरा भाई आ गया, उसने उठाया मुझे। बाद में दूसरे घर गए हम, रात को उधर ही बैठे, फिर सुबह आए। मतलब सुबह जब फिर हुआ तो फिर आपको कुछ याद है फिर सुबह क्या हुआ कि मतलब कुछ नहीं याद है मुझे, कुछ नहीं याद है। तो फिर जब आपको यहाँ लाया गया तो अभी जो है वो बताया जा रहा है उसने हेल्प की, उसने ये दिया, उसने आपको कुछ हेल्प मिली? क्या हेल्प मिली आपको मतलब अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से? बस डीसी साहब ने कुछ 10-12 हज़ार दे दिए बस, और कुछ नहीं। तो जो जख्मियों के लिए 50,000 रुपया जो है वो अभी तो कुछ नहीं अभी तो कुछ नहीं मिला। तो मतलब कितना खर्चा आया सुनने में आ रहा है, लाख से ज्यादा आपको अभी तक? हाँ, लाख से ज्यादा ही है। हमने दवाई भी प्राइवेट खरीदी। अच्छा, तो किसी एनजीओ इधर से हम गए एम्बुलेंस, गवर्नमेंट की एम्बुलेंस थी बस, डांगडोरो से भी ये किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से जम्मू, मतलब सिर्फ इनको जो है वो एम्बुलेंस जो है वो दी गई है, तो बस सिर्फ वो करके बस, तो, और कुछ नहीं सर। तो उसके बाद आपको कितने दिनों के बाद यहाँ होश आया? बस 3-4 दिन के बाद आया मुझे होश। तो अब डॉक्टरों का क्या कहना है? मैं बता दूं कि एक वक्त ऐसा आया था कि जब यहाँ पर डॉक्टरों ने एजाज का बताया था कि शायद इनकी टांग काटनी पड़ी, और अल्लाह का शुक्र है कि वो नौबत नहीं आई और ये जो है वो वक्त पर जो है वो जम्मू पहुँच गए, क्योंकि यहाँ पर सिटी स्कैन मशीन जो है वो ख़राब भी थी। इनके जो बड़े भाई हैं जिनकी वाइफ जो है वो इस हादसे में जो है वो जान बाँग हो गई है, और उनकी भी जो है वो बहन जो है वो अभी भी शायद लापता है, दोनों लापता है। तो वो फिर भी जो है वो इस दुख की घड़ी में उनकी तलाश के बजाय जो है वो अपने भाई की जान बचाने में जो है वो मसरूफ रहे। तो उनसे भी हमने बात की थी, आपकी कजिन सिस्टर से बात की। तो मतलब आप सिस्टम से जो है वो एक तरह से नाराजी है? हाँ, नाराजी है। तो जो हमारे वो डीलर साहब है एक, उनकी भी जो है वहां पर उसमें डेथ हुई थी, तो हुआ क्या है उनके साथ? आपको कुछ पता चला क्या हुआ वहां पर? क्या सुनने में आया कि राशन जो है वो आया था, वो बांटने की तैयारी भी थी? उसको पैसे थे ना गवर्नमेंट के खजाने डालने थे, वो पैसे वो बचाने के लिए गया था। अच्छा, फिर वो मास्टर साहब भी, वो अब्दुल मजीद, वो भी वो दूसरा लड़का फिदा हुसैन, वो भी चले, 3-4 बंदे चले। अच्छा, सभी चले गए। तो अब आप चाहते क्या हो? अब यही चाहते हैं गवर्नमेंट से हमें कुछ मिलना चाहिए, आपका इलाज जो है इलाज तो फ्री होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अच्छा, तो हम भी अपना गुजारा करेंगे। तो रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है, तो क्या अब आप वहाँ बसना चाहेंगे? क्या बसेंगे, उधर तो है ही नहीं, हमारे कुछ जमीन भी चले गए, सब कुछ चले गए, उधर है ही नहीं कुछ बनाने के लिए, बनाएंगे कहाँ बनाएंगे मकान। तो अब क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट कहीं जमीन दे? हाँ, हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट से, एमजी साहब से, अगर हमें दे दूसरी जगह पर। तो ये एजाज थे, इनसे हमने बात की कि इन्होंने बताया कि किस तरह से उस वक्त माहौल था, डर और खौफ और हिरास का माहौल था, ये किस तरह से जो है वो वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से जो क्लोड ब्रस्ट का दूसरा रेला आया वो जो है वो सब कुछ तबाह करके गया, और एजाज जो है उसमें ज़ख्मी हुए, और इस वक्त जो है वो अपनी सेहत के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। इनकी टांग में जो है वो फ्रैक्चर है, अभी इनको कुछ महीने लगेंगे इस फ्रैक्चर को ठीक होने में, साथ में जो है इनको के लिए भी काफी पैसा जरूरत है, क्योंकि ये खुद एक अनएम्प्लॉयड है, इनके पास कोई अब वसीला ही नहीं रहा है कि वो जो है वो अपना इलाज करा पाए। तो मेरी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो एनजीओज है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इनके इलाज के लिए जो है इनको मदद करें, वही एक असली मदद है। और अभी तक जो है इनका कहना है कि इनके पास कोई भी नहीं मदद के लिए आया, सिवाय सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के जो 10 या 12 हज़ार उस वक्त इनको दिए गए हैं इमरजेंसी में। बाकी जो गवर्नर ने जो अनाउंसमेंट की है 50,000, वो भी
भी इनके लिए शायद काफी नहीं है, ये भी चाहते हैं क्योंकि इनकी काफी इंजुरी है, ये चाहते हैं कि कम से कम इनका जो है वो ट्रीटमेंट फ्री होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो और एलजी गवर्नमेंट तक जो है वो एजाज की आवाज पहुंचेगी और वो इनका मुफ्त इलाज कराने के जो है वो ऑर्डर जो है वो इशू करेंगे। आप सब लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी जो एक इम्पॉर्टेंट विटनेस है इसके जो सद्दाम है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा उनके साथ कंटेक्ट एस्टेब्लिश होगा, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे उस वक्त वहाँ पर क्या हालात थे और उन्होंने किस तरह से हिम्मत से खुद इंजर्ड होकर भी किस तरह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। आप सबका सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।